हाँ बिल्कुल, जो आपने कहा कि ये जो एप्लीकेशन है, पहले मैं आपको एप्लीकेशन के बारे में बता देना चाहता हूँ। एप्लीकेशन का नाम है फाइल शेयर टूल, जो इस वक्त आपको गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल मिलेगी, तो वहाँ पे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। यह जब ये चाइना ने जो मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने जो चाइनीज जो 59 एप्लीकेशन को उन्होंने बैन की थी, उनमें से एक एप्लीकेशन थी शेयर इट एप्लीकेशन। तो हमें फिर उसमें आइडिया मिला कि अगर इस वक्त जो एप्लीकेशन, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर से जब कोई एप्लीकेशन बैन होती है तो वो हमें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। इसीलिए हमने सोचा कि यहाँ पे जो लोगों को है, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती थी अगर किसी को कोई फ़ाइल शेयर करनी होगी। पहले आप देखते थे जब हम ब्लूटूथ के ज़रिए फ़ाइल शेयर करते थे तो उसमें बहुत टाइम लगता था। तो इससे हमें एक फ़ायदा मिला, लोगों को इससे ये फ़ायदा मिला कि अगर आपकी कोई भी फ़ाइल हो, चाहे आपकी MP4 फ़ाइल हो, फोटोग्राफ्स हो, म्यूज़िक हो, मूवी हो, जो भी आपकी फ़ाइल हो, ऑफिशियल कोई डॉक्यूमेंट हो, वो आप विद इन नो टाइम आप इसमें सेंड कर सकते हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसमें हमें एटलीस्ट 1 मंथ हो गया, 1 मंथ से ज़्यादा ही हो गया इस पर काम करते हुए। एक्चुअली मेरे जो एल्डर ब्रदर हैं, उन्होंने और मैंने, ये हम दोनों ने मिल के ये जो एप्लीकेशन है, ये हमने बनाई है एप्लीकेशन। इसमें इसमें क्या था, जब हम पहले तो हमने एक मंथ हो गया हमें काम करते हुए, पहले हमने इसका लेआउट निकाला था कि हम कैसे एप्लीकेशन क्या करनी है। लेकिन उसके बाद जब एप्लीकेशन जो चाइनीज एप्लीकेशन इंडियन गवर्नमेंट ने बैन की, उससे हमें एक मौका मिला ताकि हम लोगों तक ये जो एप्लीकेशन है अपनी, ये उन तक पहुंचा सके। हमारा मेन मॉड्यूल इस एप्लीकेशन का यही है कि जो हमारे आवाम है, हमारे जो लोग हैं यहाँ पे, वो इसको बिल्कुल आसानी से यूज़ कर सकें और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी फाइल उनको सेंड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ बिल्कुल, ये जो हमने एप्लीकेशन बनाई, फ़िलहाल तो इसमें हमें बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। इसमें आप देख सकते हैं 10,000 से अबो इंस्टॉल्स हुए हैं। इसमें हमने जब हमें इतना पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला, इवन यूज़र्स जो हमारे मतलब जो हमारे लोग हैं यहाँ पे, वो हमें वहीं से फीडबैक दे रहे हैं, वो हमें सजेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग अब ये एप्लीकेशन बनाएं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि चाइनीज़ में जो बहुत सारे एप्लीकेशन थी, जैसे कैम स्कैनर एक एप्लीकेशन थी, वो हम जो डॉक्यूमेंट थे PDF करना था, कन्वर्ट किसी डॉक्यूमेंट को या ऑफिशियल यूज़, तो उससे वो फ़ायदा होता था। तो इंशाल्लाह आगे जो हमारा प्रोजेक्ट रहेगा, इंशाल्लाह वो ये हम कोशिश करेंगे कि और जो भी एप्लीकेशन बैन हुई है उनका हम ऑल्टरनेट निकालें और उससे बेटर ऑल्टरनेट निकालें।